जय श्री सची सुता नवदीप बिहारी, जय हरि श्री हरि, जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय गौर हरि। पंचाप्सरा की मुलाकात लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोकर्ण गए। वहां उन्होंने शिव जी का मंदिर देखा और फिर द्वैपायनी गए। तब सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु सुपार्क तीर्थ गए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोलापुर नामक नगर गए, जहां उन्होंने शीर भगवती के मंदिर में लक्ष्मी जी को और चोर पार्वती नामक अन्य मंदिर में लांग गणेश के दर्शन किए। वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु पांडरपुर गए, जहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विठल ठाकुर का मंदिर देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह कई प्रकार से नृत्य और कीर्तन करने लगे और एक ब्राह्मण उन्हें भावावेश में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए भी आमंत्रण दिया। इस ब्राह्मण ने अतीव सम्मान सहित तथा प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद महाप्रभु को शुभ समाचार मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार मिला कि माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य श्री रंगपुरी उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर उपस्थित हैं। यह समाचार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत श्री रंगपुरी को मिलने उस ब्राह्मण के घर गए। प्रवेश करते ही महाप्रभु ने उन्हें वहां बैठे देखा। श्री रंगपुरी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भूमि पर दंडवत गिरकर भावावेश में प्रणाम किया। उनके शरीर में अश्रु, हर्ष, कंपन तथा पसीने के दिव्य विकार लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे भावावेश में देखकर श्री रंगपुरी ने कहा, हे श्रीपाद कृपया उठें। हे श्रीपाद, आप श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं, जिनके बिना प्रेमानंद की कोई सुगंध नहीं होती। यह कहकर श्री रंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते समय दोनों भाववश रुदन करने लगे। कुछ क्षणों के बाद उन्हें होश आया तो वे शांत हुए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगपुरी से ईश्वरपुरी के साथ अपने संबंध के विषय में बताया। वे दोनों अपने भीतर उठने वाले अद्भुत प्रेम भाव से आप्लावित हो उठे। अंत में दोनों बैठ गए और आदर पूर्वक बातें करने लगे। इस तरह वे दोनों लगातार 5-7 दिनों तक कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा करते रहे। श्री रंगपुरी ने उत्सुकतावश चैतन्य महाप्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा तो महाप्रभु ने बतलाया कि नवदीप धाम उनका जन्म स्थान है। पहले श्री रंगपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नवदीप जा चुके थे, अतः उन्हें वहां हुई घटनाएं याद आ गई। नवदीप का नाम सुनते ही श्री रंगपुरी को स्मरण हो आया कि वे माधवेंद्रपुरी के साथ जगन्नाथ मिश्र के घर गए थे, जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया था। यहां तक कि उन्हें केले के फूलों की बनी सब्जी का अद्वितीय स्वाद भी याद आ गया। श्री रंगपुरी को जगन्नाथ मिश्र की पत्नी भी याद आई। वे अत्यंत समर्पित तथा पतिव्रता थी। वात्सल्य में तो वे जगन माता तुल्य थी। उन्हें यह भी स्मरण हो आया कि श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता भोजन बनाने में कैसी निपुण थी। उन्हें स्मरण हो आया कि वे सन्यासियों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी और उन्हें अपने पुत्रों के समान भोजन कराती थी। श्री रंगपुरी यह भी जानते थे कि उनके एक योग्य पुत्र ने कम वय में ही संन्यास ले लिया था। उसका नाम शंकरारण्य था। श्री रंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि इसी तीर्थ पांडरपुर में शंकरारण्य नामक सन्यासी ने सिद्धि प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे पूर्व आश्रम में शंकरारण्य मेरा भाई था और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिता थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें करने के बाद श्री रंगपुरी द्वारका धाम के लिए रवाना हो गए। श्री रंगपुरी के द्वारका गमन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पांडरपुर में उस ब्राह्मण के घर 4 दिनों तक और रहे।
उन्होंने भीमा नदी में स्नान किया और विट्ठल मंदिर का दर्शन किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वेणवा नदी के किनारे गए, जहां उन्होंने अनेक तीर्थ स्थल तथा विभिन्न देवों के मंदिर देखे। वहां के ब्राह्मण समाज में सभी शुद्ध भक्त थे, जो नियमित रूप से बिल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ का अध्ययन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कर्णामृत पुस्तक सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से उसकी नकल करवाई तथा उसे अपने साथ लेते गए। तीनों लोकों में कृष्ण कर्णामृत की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने से कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण कर्णामृत को पढ़ता है, वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य तथा उनकी लीलाओं के मधुर स्वाद को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत नामक दो पुस्तकों को अत्यंत मूल्यवान रत्न मानते थे, अतएव अपनी वापसी यात्रा में वे इन्हें अपने साथ ले आए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तापी नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान करने के बाद वे माहिष्मतिपुर गए, जहां रहते हुए उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थानों को देखा। इसके बाद महाप्रभु धनुष तीर्थ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्विंध्या नदी में स्नान किया। तत्पश्चात वे ऋषयमूक पर्वत पर पहुंचे और वहां से दंडकारण्य चले गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडकारण्य जंगल के भीतर सप्तताल नामक स्थान देखा, जहां के ताड़ के सात वृक्ष अत्यंत पुराने, मोटे तथा ऊंचे थे। सात ताड़ वृक्षों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया। फलस्वरूप वे वृक्ष वैकुंठ लोक वापस चले गए। जब सातों ताड़ के वृक्ष वैकुंठ लोक चले गए, तो वहां के सारे लोग चकित रह गए। तब वे कहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु नामक यह सन्यासी अवश्य ही भगवान रामचंद्र के अवतार हैं। केवल भगवान रामचंद्र में सप्त तालों को वैकुंठ लोक भेजने की शक्ति है। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु पंपा नामक सरोवर आए, जहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वे पंचवटी गए, जहां उन्होंने विश्राम किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु नासिक गए, जहां उन्होंने त्र्यंबक का दर्शन किया। तब वे ब्रह्मगिरी गए और फिर गोदावरी के उद्गम स्थान कुशाव्रत गए। अन्य अनेक तीर्थों की मुलाकात लेने के बाद महाप्रभु सप्त गोदावरी गए। अंत में वे विद्यानगर लौट आए। जब रामानंद राय ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत ही उन्हें मिलने गए। जब रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए दंडवत गिर पड़े, तो महाप्रभु ने तुरंत उन्हें उठा लिया और उनका आलिंगन किया। वे दोनों भावाविष्ट होकर रोने लगे और इस तरह उनके मन शिथिल पड़ गए। कुछ समय बाद दोनों होश में आए और वे एक साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर बातें करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को तीर्थ स्थानों की यात्रा का सुंदर विवरण सुनाया और उन्होंने बतलाया कि उन्होंने कृष्ण कर्णामृत तथा ब्रह्म संहिता नामक दो ग्रंथ किस तरह प्राप्त किए। महाप्रभु ने दोनों पुस्तकें रामानंद राय को दे दी। महाप्रभु ने कहा, आपने मुझसे भक्ति के विषय में जो कुछ कहा है, उसकी पुष्टि इन दोनों पुस्तकों में होती है। इन पुस्तकों को पाकर रामानंद राय अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने महाप्रभु के साथ मिलकर इनका रसास्वादन किया और दोनों की एक प्रतिलिपि तैयार कर ली। विद्यानगर गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने की खबर फैल गई और सारे लोग एक बार फिर उनके दर्शन के लिए आए। यहाँ पर एकत्र लोगों को देखकर श्री रामानंद राय अपने घर चले आए। दोपहर में श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए उठे। रामानंद राय रात्रि में फिर आए और वे तथा चैतन्य महाप्रभु दोनों कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करते रहे। उन्होंने इसी तरह रात बिताई। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे। इस तरह उन्होंने बड़े ही आनंद में 5-7 दिन बिता दिए। रामानंद राय ने कहा, हे प्रभु, आपकी अनुमति से मैं विनय पूर्वक राजा को एक पत्र लिख चुका हूँ।
राजा ने मुझे जगन्नाथपुरी लौट जाने का आदेश दे दिया है और मैं वापस जाने का प्रबंध कर रहा हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं केवल इसी कार्य के लिए यहाँ लौट कर आया हूँ। मैं आपको अपने साथ जगन्नाथपुरी ले चलना चाहता हूँ। रामानंद राय ने कहा, हे प्रभु, अच्छा यही होगा यदि आप जगन्नाथपुरी अकेले जाएं, क्योंकि मेरे साथ अनेक घोड़े, हाथी तथा सैनिक होंगे, जिनके कारण बहुत कोलाहल मचता रहेगा। मैं 10 दिनों में सारी तैयारी कर लूंगा। मैं जल्द ही आपके पीछे पीछे नीलाचल आऊंगा। रामानंद राय को नीलाचल आने की आज्ञा देकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से पहले विद्यानगर आए थे उसी से लौटे और सारे वैष्णव जन रास्ते में उन्हें फिर से मिले। जहाँ कहीं भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते, श्री हरि के नाम का उच्चारण होता, यह देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। अलालनाथ पहुंचकर महाप्रभु ने अपने सहायक कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु तथा अन्य निजी संगियों को बुलाने के उद्देश्य से आगे भेज दिया। जो ही नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खबर सुनी, त्यों ही वे तुरंत उठकर उन्हें मिलने चल दिए। वे महान भाव के कारण अत्यंत अधीर हो उठे। आनंद के मारे श्री नित्यानंद राय, जगदानंद, दामोदर पंडित तथा मुकुंद भाव विभोर हो उठे और वे रास्ते भर नाचते हुए महाप्रभु से मिलने गए। गोपीनाथ आचार्य भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में गए। वे सब महाप्रभु से मिलने गए और अंत में रास्ते में ही उन सब की भेंट हो गई। महाप्रभु भी प्रेमावेश हो गए और उन्होंने सबका आलिंगन किया। वे सभी प्रेमवश आनंदित होकर रोने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी परम आनंदित होकर महाप्रभु से मिलने गए और उनकी भेंट समुद्र के किनारे हो गई। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यधिक प्रेमावेश में रोने लगे। तब महाप्रभु सबके साथ जगन्नाथ मंदिर गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय प्रेमावेश के कारण कंपन, स्वेद, अश्रु तथा पुलक से महाप्रभु का शरीर आप्लावित हो उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश के कारण नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। उस समय सारे पांडे तथा पुजारी उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तथा माला देने आए। भगवान जगन्नाथ की माला तथा प्रसाद पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हुए। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवक बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। बाद में काशी मिश्र आए और वे महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने बड़े ही आदर से उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ रहे। वे सारी रात महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनते हुए जगते रहे। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, मैंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, किंतु कहीं भी आप जैसा वैष्णव नहीं देखा। रामानंद राय की बातों से मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, इसलिए मैंने आपसे विनती की थी कि आप उनसे अवश्य मिलें। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वर्णन संक्षेप में पूरा किया है। इसे और विस्तार में नहीं बतलाया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उनके कार्य कलापों का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी लोभवश मैंने चेष्टा की है, इससे मेरी निर्लजता ही प्रकट होती है। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के विषय में सुनता है वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त करता है। कृपया श्रद्धा तथा भक्ति के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें। सब लोग भगवान से ईर्ष्या करना छोड़कर भगवान के पवित्र नाम हरि का कीर्तन करो। इस कलयुग में कोई असली धर्म नहीं रहा, केवल वैष्णव भक्तों तथा वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए। यही सभी बातों का सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध समुद्र की भांति हैं। उनमें प्रवेश कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो समुद्र तट पर खड़े होकर केवल जल का स्पर्श कर रहा हूँ। जितना अधिक
कोई श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है और व्याख्या करके उनका अध्ययन करता है, उतना ही अधिक वह भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त होता है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।